हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चेहरे पर थकान है लेकिन आपके इरादों में कोई थकावट नजर नहीं आती, आप चाहते हैं बहन को इंसाफ मिले। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए मैम, क्यों हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ है, इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में जो कुछ हो रहा है, जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तो आपने कहा कि मैम पिताजी को कहीं ले गए हैं, पिताजी को कहीं ले गए हैं। जब लेकर गए, जब वापस आए, तब भी मैं यहाँ थी और आपने कहा कि उनको बहलाया फुसलाया गया है। इस पूरे मामले में प्रशासन के रवैये पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन के रवैये पर यही कहेंगे कि ये इतना जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया है और यहाँ से क्या के ले गए कि चंदपा थाने ले चल रहे हैं और वहाँ पे ले गए डीएम ऑफिस और उन्होंने क्या क्या करवाया इस चीज के बारे में पता नहीं चल पा रहा है क्या करवाया उन लोगों ने। डीएम ऑफिस की बात जब आप कर रहे हैं, इस पूरे मामले में डीएम जो शुरुआत से बातें कह रहे हैं, जो लगातार वीडियोस उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको क्या लग रहा है, धमकाने की उनकी तरफ से कोशिश जो है वो अभी भी जारी है? बिल्कुल अभी भी जारी थी उनकी, पर अभी कल से बिल्कुल अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। कल क्या हुआ है? कल यहाँ पर एसआईटी थी? नहीं थी, एसआईटी यहाँ पे बोला था कि मीडिया इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ एसआईटी बैठी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे कल वो एसआईटी बिल्कुल भी कोई भी नहीं। परसों दोपहर में चली गई? हाँ, परसों दोपहर में चली गई यहाँ से, जब से कोई नहीं आया फिर यहाँ। उसके बाद कल यहाँ पर कौन था? यहाँ पे कल पुलिस तो पूरी ऐसे घेर रखा गया जैसे हम ही खुद आरोपी है, ऐसे घेर रखा गया। तब उनको बोला तब यहाँ से वो लोग हटे। कि अंदर से कोई वीडियो बाहर चला जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ कहा गया क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि फोन जब्त किए जा रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि कोई वीडियो बाहर गया तो फोन जब्त कर ले। हाँ, वो डीएम साहब बोल रहे थे कि ये फालतू वाली वीडियो आप बना बना के भेज रहे हो, ये क्यों भेज रहे हो? पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है? आप जो एसआईटी आई, आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछकर गई, एसआईटी की जो जांच जिस तरीके से शुरुआत हुई, आपको उस पर विश्वास है? देखिए विश्वास तो अभी नहीं है क्योंकि देखिए अगर जब हमारी बहन का रेप नहीं हुआ और न ही हड्डी टूटी न ही जीभ काटी तो फिर मर कैसे गई वो? इस चीज का जवाब सरकार कौन देगा? सवाल आपका किससे है क्योंकि ये दावे तो हर कोई कर रहा है। मर गई फिर दिखाई क्यों नहीं हमें? अंतिम संस्कार हमारे बिना उसके उन्होंने कर दिया, एक बार भी नहीं पूछा हमें, ना ही हमें चेहरा दिखाया कि हमारी बहन है या कोई और अंतिम संस्कार करा किसी। दिल्ली के अस्पताल से जब वो इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, दिल्ली के अस्पताल से जब बॉडी को एम्बुलेंस में डाला गया तब भी आपने क्या बहन को नहीं? बिल्कुल नहीं दिखा हमें, उस टाइम पता ही नहीं है कि किस टाइम हमारी बहन की डेड बॉडी वहाँ पे पहुँच गई है। हम लोगों ने पूछी भी थी कि हमारी बहन कहाँ, डेड बॉडी कहाँ, पर हमें वहाँ गुमराह किया जा रहा था। क्या कोई कह रहा था आपकी डेड बॉडी नोएडा पार कर चुकी है, कोई कह रहा था आपकी डेड बॉडी यहीं पे है, कोई कह रहा था हाथरस पहुँच चुकी है, ऐसे कह रहे थे। आप लोगों को एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया गया? अमूमन होता है कि परिवार के सदस्य एम्बुलेंस में बैठते हैं, आपको नहीं बैठने दिया? एम्बुलेंस में तो कोई भी नहीं आया और न ही किसी को बैठाया, और पहली बात तो डेड बॉडी का ही पता ही नहीं है तो कहाँ पर है, कैसे है, कौन है, कोई पता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन की डेथ हो गई, ये आपको बताया भी नहीं गया पहले? ये बताया गया, उसके बाद आप लोगों ने कहा होगा कि बॉडी कहाँ है, तो आप कह रहे हैं एम्बुलेंस में कब पहुँच गई ये आपको पता नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं पता हमें। और जो डेड पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद साइन होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं उनको हैंड ओवर करते हैं डेड बॉडी, ना ही हमारे साइन हुए ना ही हैंड ओवर करा, कुछ नहीं पता हमें और डेड बॉडी है कहाँ कोई नहीं पता, वहाँ पे गुमराह और किया जा रहा था हमें। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप लोगों की तरफ से मांगी गई, क्या बोलकर मना किया गया? नहीं मांगी गई थी, ये कह रहे थे अभी 2-3 दिन लगेंगे उसके बाद मिलेगी रिपोर्ट। अच्छा, जब बॉडी वहाँ से रवाना हुई आप लोगों को चूंकि एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया गया तो आप लोगों ने क्या खुद कोई दूसरी गाड़ी की जिसके सहारे आप लोग हाथरस पहुँचे? नहीं, हम लोग अपने खुद की गाड़ी से नहीं आए, वहाँ के जो पुलिस की गाड़ी थी वहाँ के वो लोग हमें खुद बैठा के लेके आए जबरदस्ती। उन्हें हाथरस के जो SDM साहब थे, पता नहीं ADO साहब थे, वो बैठे हुए थे और उसमें दिल्ली पुलिस के 2 आदमी थे और हम दो तीन लोग थे, मैं पापा थे और हम जो चंद्रशेखर भैया थे वो यहाँ आने के लिए कह रहे थे कि मैं गांव चल रहा हूँ। उनको जेवर टोल पे पुलिस वालों ने रोक दिया, फिर वो हमारे साथ नहीं आ पाए और कह रहे थे कि मतलब जो डेड बॉडी है वो हमने आपको हाथरस पहुंचा दी गई है अच्छी तरह से सही सलामत से। मतलब आपकी नजरों के आसपास भी एम्बुलेंस नहीं थी? आसपास बिल्कुल भी नहीं। तो कितने बजे के आसपास आप लोग हाथरस पहुंचे? यहाँ पे हम करीब 1:30 बजे करीब यहाँ रात को आ गए थे। सीधा घर आए? नहीं आए घर पे, हम लोग जबरदस्ती, हमने बोला था सर हमें एक बार यहाँ उतार दीजिए, कह रहे यहाँ नहीं उतारेंगे आपको, आप सीधे शमशान में चलिए। और डीएम साहब ने वहाँ गाड़ी रोकी थी आधे रास्ते में,
और एडीओ साहब ये सारे अधिकारी लोग इकट्ठे हो गए और हमसे बोल रहे थे कि पापा थे, मैं भी था वहां पे, कह रहे थे देखिए आप जो नाम है जो लड़की की डेड बॉडी है उसका आप वो करवा रहे हैं और आप ये सही नहीं करवा रहे। हमने बोला सर एक बात बताइए, हमारी बहन चली गई, हम क्या पॉलिटिक्स करवाएंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं। और कह रहे हैं ठीक है वो इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, बोलो हम करेंगे और हम आपकी मदद करेंगे और आपकी मदद करेंगे और हम ही करेंगे, हम आपके ही हम काम आएंगे और वो लोग काम नहीं आएंगे, ऐसे बोल रहे थे। और कह रहे थे आपको सीधे चलना है, अब घर पे भी नहीं जाना है, आपको डेड बॉडी वहीं सीधे घर पे वहीं लगानी है, शमशान घाट में जाना है आपको। हमने बोला सर नहीं, शमशान घाट में नहीं जाएंगे हम लोग घर पे जाएंगे, सीधे परिवार वाले हैं हमारे और वहाँ पे जब तक हमारे परिवार वाले नहीं बोलेंगे और जब तक हम लोग हमारे परिवार वाले भी देखेंगे डेड बॉडी को हमारी को, तो हमने यही मांग रखी। कह रहे ठीक है चलिए हम, और हम सीधे चले आए तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं रोका, सीधे शमशान घाट के करीब 500 मीटर की दूरी से बच गई थी, वहां से पहले हमें रोक दिया। हमने फिर वहां पे बोला सर ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, जबरदस्ती आप लोग हमसे नहीं करवाओगे, क्योंकि हमारे जब तक परिवार वाले नहीं देखेंगे, मम्मी बहन नहीं देखेंगे जब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और अंतिम संस्कार जो रीति रिवाज से होता है वो लोग हम सुबह करेंगे। इन सब के दौरान आपको लगातार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लगातार कि भाई मुआवजे के लिए भी आप लोग प्रेशर बना रहे, ये जो सब कुछ हो रहा है परिवार चाहता है कि मुआवजा बढ़ जाए, इस तरीके के आरोप आप नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि जो मुआवजा है वो बढ़ जाए, हम लोग मुआवजा के लिए नहीं कुछ नहीं कर रहे, हम लोग केवल इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इंसाफ के लिए लड़ेंगे आगे तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। मामले में किन किन पर चाहते हैं आप कार्रवाई? जो भी अधिकारी थे, जो भी इन्होंने इतना लास्ट में अत्याचार कराया उन्होंने, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री से जब पिताजी से बात कराने ले गए, उसके उस बातचीत में जो भी हुआ कि कहा गया उनकी तरफ से दोषियों पर कार्रवाई होगी, बावजूद उसके जो जिला प्रशासन है वो दबाव बनाता रहा? बिल्कुल बनाते रहे, कह रहे थे बयान मत बदलना। अब बताइए क्या बयान बदलेंगे, आप लोग बयान बदल रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा हम लोग क्या बयान बदलेंगे? आप पर लगातार जो प्रेशर बनाया जा रहा था, आप कह रहे थे परसों जब एसआईटी की टीम आई थी उस दौरान कुछ भी आपको ऐसा लगा कि जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं आप ही को आरोपी बनाया जा रहा है पूरे मामले में? नहीं, हमने उन्हें बताया था, वो लिखवाते गए, वो लोग जैसे हमने बताया वो वैसे लिखवाते गए। और अच्छा, उन्होंने पूरा वाक्य आपसे समझा कि हुआ क्या था? हाँ, उन्होंने हम बता गए वैसे उन्होंने लिखा। अभी आगे वो लोग क्या करेंगे, और जो कि जब मेरे सुनने में आ रहा है और आप भी देख रहे होंगे सभी कि जो बता रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, हड्डी नहीं टूटी और इस तरीके से मेडिकल उसमें भी आया पोस्टमार्टम में कुछ नहीं हुआ, तो ये बताइए फिर मर कैसे गई मेरी? आपको इंसाफ की उम्मीद है? इंसाफ की उम्मीद देखिए अभी तो नहीं है हम लोगों को, जब हमारे साथ ये चीज हो रहा है। पूरे मामले में ये भाई हैं जिनसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, डे वन से बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। और आपको बता दूं ये वो भाई हैं जो घटना स्थल पर पहुंचे थे, क्योंकि माँ ने जब अपनी बेटी को बेसुध पाया था खेत में, तो राह चलते हुए एक शख्स से कहा था कि मेरी बेटी इसी हालत में पड़ी है, जाके घर पर संदेशा भेज दो कि छोटा बेटा भाग कर आए, क्योंकि सुबह छोटा बेटा भी उसी खेत में घास काट रहा था। वो कह रहा है क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी एबीपी न्यूज पर आपने सुनी।